मॉर्निंग एंड स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत हो गया अब भोर के 4 बजे ही, अभी 4:30 हो गया। अभी लाना था दीदी को घर से, दीदी को लेकर आ गए। अब बाहर का कोई दिखा रहा, अभी पूरा डार्क ही है बाहर जी। तो बाहर का सीन देख लीजिए, पूरा डार्क ही है। घर में सब उठ गया है, इधर भी सब उठ गया, आंटी लोग सब रेडी हो गई हैं। अपने घर में भी दिखा, और ये कालू भी रेडी हो गया है। कालू तुम भी जाएगा ना? कालू भी जाएगा, इतना सुबह सुबह इसको उठा दिया गया, क्या करिए। इसकी मम्मी भी जा रही है ना, तो इसको भी जाना पड़ेगा, वरना फिर ये रोने लगेगा। अच्छा बोल दो भाई को, गुड मॉर्निंग बोल दो, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो यहाँ पे, गुड मॉर्निंग। तो अभी सीन है कि सबको तो रेडी हो गया, बस एक भाभी रहती है सुंदरनगर में, वो भी जाएंगी, तो वो भी रेडी हैं। बस गाड़ी यहाँ से अब निकलेगा। टोटल हम लोग 25 आदमी जा रहे हैं, सब मिला के टोटल हम लोग 25 आदमी जा रहे हैं। एक गाड़ी है, बस खड़ा होकर सबको जाना है, और पूरा मस्ती करना, मज़ा आएगा मेरे को। ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा लगेगा पहुँचने में, तो जितना जल्दी हो सके। ऐसे तो बात हुआ था कि भोर के 3 बजे निकलने का, पर तो वो तो इतना सुबह हो नहीं पाएगा किसी से, तो फिर 4:30 अभी हो गया। बस आधा घंटा के अंदर कैसे भी निकलना है जल्दी, क्योंकि पहुँचना पड़ेगा। फिर भीड़ तो आज काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ऐसे आप लोगों को पता तो चल गया आप कहाँ जाने वाला है। नहीं पता चल रहा तो खैर हम बता ही देते हैं। तो हम मुर्गा महादेव जाने वाले हैं। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो है, आप मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप देख लेना पहले जाके। मैं जब उस टाइम गया था तो उस टाइम खाली था, और अभी सावन के समय में और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। मेरा एक फ्रेंड है, वो रात में ही चला गया है, तो बता रहा था कि रात से ही मतलब भीड़ उतना पाएगी, आपको फिर लाइन लगना पड़ेगा काफ़ी सारा। हमसे तो पूजा नहीं हो पाएगा उतना भीड़ में, तो भगवान को दूर से प्रणाम कर लेंगे। आप लोग को जितना हो सके हम उतना आप लोग को दिखाएंगे बढ़िया से, और सारा बता देंगे आप लोग को आना कैसे है। सो बने रहिए वीडियो में, अभी चलते हैं गाड़ी के पास, फिर मिलते हैं आप लोग को। रेडी हो गए हम लोग, देखिए सब कोई आ गए हैं, ये गाड़ी खड़ा है इधर, सब रेडी हो गए, अब निकलते हैं जल्दी से। इन लोग लेट कर रहा है, जल्दी चढ़ो ना यार, तुम लोग क्या कर रहा है। मिलते हैं फिर, अभी एक जन को और लेना है, उसके बाद सीधा मिलते हैं वहीं पर। ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर कंप्लीट करके हम लोग आ गए हैं। एक स्टेशन है यहाँ पीछे दिखता हुआ, सिंह पोखाड़ी स्टेशन का नाम है। उसके बाद यहाँ से 50 या 55 किलोमीटर है दूर, उसके बाद फिर हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। अरे साथ में अभी भी जा रहे हैं, अरे भैया जिमलेस भैया, साथ में जिमलेस भैया भी जा रहे हैं। तो फिर अभी चलते हैं, अभी गाड़ी में बैठे, सब गाड़ी से उतर भी गया, टॉयलेट वेट करना था छू कर लिया, फिर हम लोग चलते हैं अभी गाड़ी में, फिर मिलते हैं आप लोग वहीं पर। ठीक है हम लोग, और दिखाते हैं आप लोग को एक चीज़, देख रहे हैं ना नीचे पूरा पूरा लाल मिट्टी है, पूरा लाल मिट्टी है, और पूरा पहाड़, गाड़ी पार्किंग यहीं पर हो गया। अभी यहाँ से जाना है कम से कम 1/2 किलोमीटर कम से कम है, और आगे अभी बढ़ते हैं आगे, दिखाते आप लोग रास्ता, दिखाते कैसा रास्ता है। रास्ता देखिए पूरा एकदम ख़राब रास्ता है, ख़राब से भी ख़राब रास्ता, पूरा एकदम लाल लाल मिट्टी हो जा रहा है। थोड़ा सा चढ़ाओ गाड़ी को नीचे लाया, यहाँ पे गाड़ी का पार्किंग था, तो पार्किंग में कुछ गाड़ी लगाया गया, और अपना गाड़ी सारा को इधर लगाया गया पार्किंग में, सारे एरिया पार्किंग। अच्छा ट्रक का पार्किंग था, तो अभी ये लगाने के लिए दे दिया जा रहा है।
साथ में अपना बटालियन सब आ गया। हाँ, बटालियन की फौज। इधर भाभी बोल बार बोल बार बोल बार बोल बार। अभी कैसा लगा? शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग किधर से आ रहे हैं, देख रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से शॉर्टकट जा रहे हैं, दिखा रहे आप लोगों को, इन लोगों को शॉर्टकट देखिए, ये शॉर्टकट रास्ता है, उतना दूर हम लोग का बच गया टाइम। जगह पे अभी सब यहाँ पे प्रसादी ले रहा है, पीछे देख रहे हैं प्रसाद का दुकान है, और यहाँ से ये आगे वाला रास्ता हम आपको दिखाते हैं, इधर से ये रास्ता चले जाता है अंदर। अभी सब यहाँ रुके हुए हैं तो हम लोग भी रुके हुए हैं, रास्ता अंदर चले जाता है, ये पूरा मार्केट है। जब हम आए थे ना उस टाइम सारा पूरा खाली था इधर। आवाज सर मैं क्लियर नहीं आता हूँ आप लोग को, मैं पीछे देख रहे कितना भीड़ है ये। क्या मस्त डंका बजा रहा था, सुनने में मजा आ गया था डंका, अगर मिला तो आपको शॉट। जी गुड आफ्टरनून, वीडियो को मैं दोपहर में एंड कर रहा हूँ। रात में जो आते जो सो गए थे ना, जो नींद आया था उसके बाद जो पैर में चुभ रहा था, पैर में भी चोट लग गया था।
सुबह के 11 बजे उठा, उसके बाद फ्रेश हुआ, नाश्ता, फीवर भी हो गया, और सबसे बड़ा मैं पैर में चोट लगा, वीडियो कुछ भी ठीक से नहीं बना पाया वहाँ पे। सोचा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और भी कुछ, कुछ मैं घुटना में चोट लग गया था पूरा, वो पानी वाले फॉल जो था, फॉल के सामने गया और वहीं पे गिर गया। बस अभी नहाए भी नहीं थे, जस्ट गया आईफोन लेके फ़ोटो खींचने के लिए, जाते साथ ही जैसे पानी सामने गया वैसे ही गिर गया नीचे, इतना जोड़ का चोट लगा। उसके बाद हम वापस आ गया, थोड़ा भीगा हुआ था कपड़ा, उसको चेंज कर लिया, पूजा कुछ भी नहीं की है, बस गए वहाँ पे खड़े थे, फिर काफ़ी देर खड़े रहे, घूमे, चला नहीं जा रहा था पैर से, और नीचे जो रास्ता था सारा मुरूम वाला पत्थर था, तो पत्थर भी चुभ रहा था। एक चीज़ बढ़िया था कि मौसम ठीक था, गर्मी उतना नहीं था, तो अच्छा लग रहा था, और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था वहाँ पे थोड़ा सा। सो ओवरऑल बस इतना ही वीडियो था, कुछ शूट नहीं कर पाया ढंग से, बढ़िया से इतना भीड़ था, पैर में जो चोट लग गया उसके बाद तो कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था। सो अगर वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस अगल देख रहे, कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा, स्माइल तो एकदम नहीं फेस पे, पैर में घुटना में जो चोट लगा है ना उसके बाद। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, ज़्यादा बाबू पकनी।